हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। इज ऑडियो एंड वीडियो क्लियर टू यू गाइस? जाओ जाओ जाओ। इज ऑडियो एंड क्लियर टू यू गाइस? गुड इवनिंग एवरीवन। आई एम गुड जोया, व्हाट अबाउट यू? आई एम गुड चंद्रकांत, व्हाट अबाउट यू? सो स्टूडेंट्स, अपना सेशन शुरू करते हैं, तब तक जो बच्चे हैं वो ज्वाइन कर लेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ मंजू कुहार एंड आई एम योर यूजीसी नेट पेपर वन फैकल्टी। वेलकम टू फिलर फॉर्म ऐप। सो स्टूडेंट्स, अभी जो आपको तीनों हैंडल्स विजिबल हैं स्क्रीन पर, ये तीनों हैंडल्स हैं हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप हैंडल। जिसने अभी तक इन तीनों हैंडल्स को फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जाके फॉलो कर लो, क्योंकि जितनी भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है रिगार्डिंग आवर एग्जाम, रिगार्डिंग पीएचडी, रिगार्डिंग कोर्स, सारी की सारी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस आपको इन्हीं तीनों हैंडल्स पर दिखने वाली हैं। तो जरूर इनको सब्सक्राइब कर लो, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये है हमारे दिसंबर के करंट बैचेस जो चल रहे हैं अभी लाइव। एंड अभी हम शुरू करते हैं अपना सेशन। गुड इवनिंग एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं नंबर सीरीज। गुड इवनिंग एवरीवन। तो देखते हैं नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस टाइप के आते हैं, पहले उनको देख लेते हैं। सबसे पहले अगर नंबर सीरीज में क्वेश्चन जो पैटर्न आपको दिखेगा ना, वो दिखेगा एडिशन वाला। कुछ ना कुछ चीजें ऐड हुई हैं, ठीक है? तो एडिशन वाला पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। और उसमें क्वेश्चंस कैसे होंगे, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे देती हूँ, 100, 200, 400, 700, तो बताओ इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो इस जो ये पैटर्न है, इसको देखकर जल्दी बताओ इस फिलअप में क्या फिल होगा। वेरी गुड अंकिता एंड अंकित, आप दोनों का सही है अभी तक, बाकी सबका गलत है। यस सियाराम, प्रियंका, पूजा सिंह, जोया, चंपा, सबका सही है। चंद्रकांत, जिसका 1000 जा रहा है वो देखो, यहाँ पे पैटर्न देखो, 100 से 200 पे गए,
100, 200 से 400 पे गए प्लस 200, 400 से 700 पे गए प्लस 300, तो इसके बाद कितना होगा? 100, 200, 300, अब होगा 400, तो 700 में जब आप 400 ऐड करोगे तो ये बनेगा 1100, 1100। मीनाक्षी वो हम करेंगे अपनी या तो क्लास के एंड में नहीं तो डाउट वाले सेशन में। अभी आप ये वाले क्वेश्चंस देख लो, नंबर सीरीज भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक्स वाई जेड वाले क्वेश्चन है, वो मैंने टेलीग्राम पे भी आप लोगों का कमेंट देख लिया था, मैं उनको करा दूंगी, उनकी टेंशन मत लो आप। अभी आपका ध्यान फोकस सिर्फ जो क्लास में टॉपिक चल रहा है उस पर होना चाहिए। जिस जिसका 1000 था क्लियर होगा उनको। अब तो क्वेश्चन में आपको ऐसे ही एडिशन वाला पैटर्न दिखेगा, यहाँ पे थी 100, 200, 300 वाला पैटर्न, और कैसे भी हो सकता है, कभी 5 ऐड हुए, कभी 7, ऑड नंबर्स ऐड हो रहे हैं, इवन नंबर्स ऐड हो रहे हैं, प्राइम नंबर्स ऐड हो रहे हैं, स्क्वायर रूट ऐड हो रहा है, क्यूब रूट ऐड हो रहे हैं, सब कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड टाइप आती है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, सब्ट्रैक्शन वाली, जिसमें कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है, तो उसका भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहां पे बताओ मुझे ब्लैंक में क्या होगा? क्या समझ में नहीं आया तजीम? अब भी सबका गलत है, बस अभिषेक, जया, चंपा, जोया इनका ठीक है चारों का, अंकित, प्रियंका, सियाराम, चंद्रकांत, रेखा, जिनका मैं नाम बोल रही हूँ इनका सही है, बाकी सबका गलत है। पूजा का ठीक है, गुंजा का ठीक है, दीपमाला का ठीक है, परमदीप का ठीक है, भावना का ठीक है, मीनाक्षी, निर्मला, इन सब का ठीक है, बाकी सबका गलत है। रिशु का भी ठीक है। पैटर्न देखो आप, पैटर्न नहीं देखते, मैं यही कह रही हूं, पैटर्न फॉलो करना है। यहाँ पे देखो 1000 से 900 क्या हो रहे हैं, -100, 900 से 700 कितना माइनस हुआ है, 200, 700 से 400 कितना माइनस हुआ है, 300, तो अब कितना माइनस होगा पैटर्न के अकॉर्डिंग, 100, 200, 300, तो अब होगा 400 माइनस, तो 400 में से 400 गए, आएगा जीरो। फर्स्ट क्वेश्चन दोबारा देख लो तजीम, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, हमें एक पैटर्न दे रखा है, पैटर्न कुछ ऐसा दे रखा है, 100, 100, 200, 400, 700 एंड ब्लैंक, 100, 200, 400, 700 एंड डैश। तो यहाँ पे हमें एक पर्टिकुलर पैटर्न पता करना होता है कि जो ये सीरीज हमारी दे रखी है इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, कैसे उन्होंने इस सीरीज को बनाया है। तो यहाँ पे देखो 100 से 200 पे कितना ऐड हुआ है, 100 ऐड हुआ है, उसके बाद 200 से 400 में कितना ऐड हुआ है, 200 ऐड हुआ है, 200 ऐड हुआ है, 400 से 700 तक जाने में 300 ऐड हुआ है। तो यहाँ देखो 100, 200, 100, 100 का गैप चल रहा है, 100 से 200 के बीच में 100 का गैप, 200 से 300 के बीच में 100 का गैप, ऐसे 300 से 400 में भी क्या हो जाएगा, 100 का गैप होगा, मतलब आगे 400 ऐड होगा। जैसे यहाँ पे देखो 100 में 100 ऐड हुए तो 200 बना, फिर 200 में 200 ऐड हुए तो 400 बना, 400 में 300 ऐड हुए तो 700 बना, ऐसे ही 700 में 400 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 1100 बनेगा, ऐसे इन पैटर्न्स को बना रखो। क्लियर है अब तजीम? हमें पैटर्न का पैटर्न को फाइंड आउट करना है कि उस सीरीज के अंदर क्या पैटर्न फॉलो कर रखा है, क्या पैटर्न उन्होंने यूज कर रखा है।
बाकी सबका तो रिस्पॉन्स आ गया है। तजीम जिसका डाउट था, जल्दी बताओ, क्लियर है तो चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। गुड इवनिंग राखी। ओके तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। सबट्रैक्शन वाला क्लियर है? तजीम 1100, ये देखो 1100 कैसे आया है, 700 था यहाँ पे। पैटर्न हमने देखा 100 100, एक बार 100 100 का पैटर्न चल रहा है। 100 से 200, ये देखो 100, 200 से 300 100, 300 से 400 100, तो 100 100 का पैटर्न चल रहा है। तो ऐसे ही करना है हमें, 100 से 200 पे जाने पे 100, 400 से 200 जाने पे 200, 700 से 400 300। तो अब नेक्स्ट 400 ऐड होगा, तो जब 700 में 400 ऐड करोगे तो 1100 ही तो आएगा। ठीक है, अब चलो आगे। सब्ट्रैक्शन वाला क्लियर है? सब्ट्रैक्शन में भी क्या पैटर्न था, एक बार 100 का 200 का 300, 100 वाली जो लाइन होती है उसको पकड़ रखा है, 100 200 300 400 500। तो एक बार 100, फिर 200, फिर 300, 400, फिर आगे बढ़ता जाएगा 500 600 700 800। तो ये वाले पैटर्न पे चल रहे थे, एक बार 100 माइनस करने हैं, फिर 200 माइनस करने हैं, 300 माइनस करने हैं, 400 माइनस करने हैं। आगे भी अगर हमारी सीरीज होती तो 500 माइनस करते, 600 माइनस करते। तो एक बार पैटर्न को पकड़ लो, क्वेश्चन सही होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा होता है मल्टीप्लीकेशन वाले क्वेश्चन को देखने को मिलते हैं हमें नंबर सीरीज के अंदर। मल्टीप्लीकेशन वाले कैसे होते हैं, एक एग्जांपल लेती हूं मैं। 100 100, 300, 1500 एंड ब्लैंक, इस पैटर्न को बताओ, इस सीरीज के अंदर कौन सा पैटर्न है? वेरी गुड पूजा। बिल्कुल सबका ठीक है, जिसका नहीं आया अभी देखते हैं। ओके तो अब करते हैं क्वेश्चन, जिसका नहीं आया वो देख लो। 100 into 100 हमें बता, मल्टीप्लाई है 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 100 आ सकता है। फिर 100 से 300 पे गए, कितना को मल्टीप्लाई किया होगा, 3 से मल्टीप्लाई किया होगा तब 300 आया है। 300 को तो क्या पैटर्न देखो, 1 और 3, तो इसके अकॉर्डिंग ऑड नंबर चल रहे हैं, तो 3 के बाद आता है 5, तो 300 को 5 से मल्टीप्लाई किया, यही आया 1500। तो मतलब हमारा यही पैटर्न चल रहा है, मल्टीप्लाई करना है ऑड नंबर से।
135 अब करना है 7 से मल्टीप्लाई, 1500 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा आपके पास 10,500, और ये होगा आपका आंसर। ऐसे ही कोई भी पैटर्न आ सकता है, इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, क्लियर है? अब क्लियर है सबको जिसको समझ में नहीं आया था? ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट पैटर्न आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा, वो होगा डिवीजन पैटर्न। ठीक है, डिवीजन पैटर्न वाला क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन इसका भी देती हूँ मैं आपको। 200, 100, 50, 25, तो बताओ नेक्स्ट नंबर क्या होगा? वेरी गुड। क्या प्रॉब्लम है उसको बोलो दोबारा से, ना एक बार अपने फोन को रिबूट करेगी और उसके बाद क्लास ज्वाइन करने की कोशिश करेगी। सबका 12.5, ठीक है बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है? डिवाइड बाय टू, डिवाइड बाय टू, डिवाइड बाय टू, तो इसको भी टू से डिवाइड कर दो। टू से डिवाइड करोगे ये आएगा आपके पास 12.5। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा स्क्वेयर रूट वाला पैटर्न, और स्क्वेयर रूट का भी मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ। 4, 16, 36, 64, बताओ नेक्स्ट नंबर क्या होगा? वेरी गुड आरती, मीनाक्षी, चंपा, हाँ जी रुचि, बहुत बार हो जाता है। तो जब भी ऐसे प्रॉब्लम हो ना तो फोन को रिबूट कर लो, या फिर ऐप से एग्जिट करके दोबारा से करो, और फिर भी ना तो फोन को रिस्टार्ट कर लिया करो। यस 100 जिस जिसका आंसर है वो होगा। कैसे होगा? तो ये देखो, ये है 2 का स्क्वेयर, यह है 4 का स्क्वायर, यह है 6 का स्क्वायर। तो हमें यहाँ से पैटर्न पता चल गया, इवन नंबर्स का ले रखा है। तो यह है 8 का स्क्वायर, तो 8 के बाद इवन नंबर होता है 10, तो यहाँ पे आएगा 10 का स्क्वायर, दैट इज 100। यस 100 जिस जिसका आंसर है उन सबका सही है, और जिसका 128, 125 ये आंसर था उनको भी अब क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पे क्या आएगा। पैटर्न को बड़े बड़े ध्यान से समझना है। स्क्वायर रूट के बाद नेक्स्ट आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे क्यूब रूट के। क्यूब रूट का भी एक क्वेश्चन दे देती हूँ, फिर अपने एक इसके बाद प्राइम नंबर्स वाला पैटर्न हो रहा है, फिर अपने क्वेश्चंस पे चलेंगे। और क्वेश्चन सारे अब की बार वो हैं जो आपके पीवाईक्यूज में आए हुए हैं। तो क्यूब रूट से क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको। 27, 125, 343 एंड डैश, बताओ क्या होगा? क्वेश्चंस देखना, अभी जो हम क्वेश्चंस करेंगे पीवाई को
क्वेश्चंस जब हम करेंगे तो क्वेश्चंस देखना कितने इजी क्वेश्चंस हैं। आप बोलते हो ना कि मैम ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में। यस 729 जिस जिसका आंसर उनका ठीक है, 512 जिसका आंसर है वो गलत है। 729 आएगा और वो कैसे आएगा ये देखो, ये है 3 की क्यूब, ये है 5 की क्यूब, ये है 7 की क्यूब। तो यहाँ से दिख रहा है 3, 5, 7 ओड नंबर्स हैं, 7 के बाद ओड नंबर होगा 9, 9 की क्यूब होती है 729, तो 729 हमारा ऑप्शन हो जाएगा। यस 729 ही होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा यहीं पे इसी पेज पे देख लेते हैं प्राइम नंबर्स वाला पैटर्न। सबसे पहले प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्या, जिनको नहीं पता मैं उनको मीनिंग बता देती हूँ। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो किसी की भी टेबल में ना आए, सिर्फ और सिर्फ अपने खुद की टेबल में आए, वो होते हैं प्राइम नंबर्स। तो इसका भी एक क्वेश्चन देती हूँ मैं आप लोगों को। तो बताओ नेक्स्ट जो नंबर है वो क्या होगा। पैटर्न को देखो और बताओ नंबर क्या होगा। सृष्टि 21 गलत है। 23 जिसका आंसर है उनका ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट जो प्राइम नंबर होता है वो 23 होता है 19 के बाद। 19 के बाद जो नंबर होता है प्राइम नंबर वो 23 होता है। 21 प्राइम नंबर नहीं है, 21 हमारा 3 की टेबल में भी आता है, 7 की टेबल में भी आता है। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। मैंने सारे पैटर्न बता दिए हैं और अगर कोई पैटर्न बचेगा वो हम क्वेश्चन में देख लेंगे। वैसे तो ऑलमोस्ट यही पैटर्न होते हैं जो नंबर सीरीज के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन को देखो और बताओ मेरे को क्या होगा इसका राइट। यस अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन और बताओ मुझे राइट आंसर क्या होगा, राइट ऑप्शन क्या होगा। सभी बताओ, उसके बाद मैं राइट आंसर बताऊंगी। ओके ओके वेरी गुड तजीम। 66 जो हमारा सी ऑप्शन है वो होगा राइट ऑप्शन इस क्वेश्चन का। और जिसको ये समझ में नहीं आया तो वो एक बार देख लो कैसे होगा। 6 से 10 पर जाते हैं तो 4 ऐड होगा, 10 से 18 पे जाते हैं तो 8 ऐड हुआ है, 18 से 64 पे जा रहे हैं तो 16 ऐड हुआ है। तो यहां से देखो 4 2 जा 8 2 जा तो 16 2 जा कितना होगा 32। तो 34 में 32 ऐड करो, ये आ गया 66। नेक्स्ट इससे नेक्स्ट नंबर 32 2 जा नेक्स्ट में 64 ऐड होगा। तो ऐसे पैटर्न जो सीरीज है वो ऐसे चल रही है। तो हमारा जो आंसर है वो 66 होगा, 56 नहीं होगा, 66 होगा राइट आंसर। यस 66 होगा राइट आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, और ये पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तभी मैं कह रही थी सारे मुश्किल क्वेश्चंस नहीं आते, सारे इजी नहीं आते, हर टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको।
तो जब लक अच्छा होता है तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, इतने सिंपल। सभी बताओ, उसके बाद मैं बताऊंगी क्या होगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। यस, सी ऑप्शन। जिस जिसका आंसर है 53, जिसका आंसर उन सबका ठीक है। क्या पैटर्न है यहाँ पे देखो, 23 से 29 पे 6 ऐड हो रहे हैं, 29 से 36 पे 7 ऐड हो रहे हैं, 36 से 84 पे 8 ऐड हो रहे हैं, तो नेक्स्ट में 9 ऐड होंगे। 44 में 9 ऐड करोगे 53, तो 53 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, और मेरे को जल्दी बताओ इसका क्या आंसर होगा। जल्दी बताओ क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। सभी बच्चे बताओ। सबका आंसर आना चाहिए। फिफ्टी वन स्टूडेंट्स लाइव हैं, तो मेरे को 51 के 51 स्टूडेंट्स का आंसर चाहिए। बिल्कुल, बी ऑप्शन जो 123 है वो सबका सही है। निर्मला सी नहीं होगा, बी होगा। बी कैसे होगा वो देखो, 2 से 3 1, 3 से 6 3, 6 से 15 9, 15 से 42 कितना होगा, 27। तो यहाँ पे देखो, एडिशन वाला तो ये है नहीं, पर एक चीज दिख रही है, 3 के मल्टीपल्स हैं ये, मतलब 3 से मल्टीप्लाई हो रही है। 1 इंटू 3 3 इंटू 3 9 इंटू 3, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 3, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 3, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 3,
तो 27 × 3 कर दो, ये कितना आएगा 81। 42 में 81 ऐड करोगे, ये आपके पास आ जाएगा 123। क्लियर है अब सबको कि 123 कैसे था? जिसका भी सी ऑप्शन था या कोई और ऑप्शन था 123 को छोड़कर, उन सबको क्लियर है? ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चंस है, क्वेश्चन है पीवाईक्यू हमारा। अभी जो हमारे जून का जो पीवाईक्यू में जो नंबर सीरीज के क्वेश्चन आए थे ना, ये वो वाले क्वेश्चंस हैं। यस ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो और मेरे को बताओ राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। जल्दी बताओ, किसी एक सिंगल बच्चे का भी अभी तक कोई कमेंट्स नहीं है। फोर्टी फाइव, मैं बताती हूँ यहाँ पे क्या पैटर्न है। सबसे पहले यहाँ जो पैटर्न है ना, 4, 6, 15 डैश और 275 के अंदर, ये है ऐसे जो फर्स्ट लास्ट प्रीवियस नंबर है 4 × 2 − 2, 6 × 3 − 3, तो नेक्स्ट होगा 15 × 4 − 4, ऑप्शंस गलत दे, एक मिनट ठीक है, ये आ जाएगा 56, और फिर होगा 56 × 5 − 5, तो देखते हैं हमारा ठीक है। ये देखो 275, तो बिल्कुल ठीक है हमारा पैटर्न, हमारा जो डी ऑप्शन है 46। नहीं, अभी आप लोगों के मैसेज शो हुए हैं। ओके, फिर से बता देती हूँ मैं एक बार, यहाँ पे जो पैटर्न फॉलो हो रहा है ना, ना एडिशन वाला है ना सब्ट्रैक्शन वाला है, दोबारा देख लो।
4, 6, 15 - 2, 75। तो यहां से हम देखते हैं 4 को हर तरीके से अपने क्वेश्चन को हमें क्या करना था, हर तरीके से अपना दिमाग चलाना है वहां पे। तो 4 × 1 किया प्लस 2 किया तो 6 ठीक आ रहा है, फिर 6 × 1 किया तो वो चीज यहाँ पे फॉलो नहीं हो रही। फिर माइनस वाली चीज करके देखते हैं, 4 × 1 प्लस 1 तो 5, ये भी ठीक नहीं है। तो फिर देखते हैं 4 × 2 और -2, तो ये हमारा ठीक बना। तो नेक्स्ट पे भी ये पैटर्न फॉलो करके देखते हैं, 6 × 3 -3, ये भी ठीक बन रहा है। फिर 15 पे जो सॉल्व करके आया, 15 × 4 -4, तो ये बना 56। फिर 56 × 5 -5, ये बना 275। देखो वही पैटर्न है, मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है। तो पहले वाले पे कौन सा पैटर्न फॉलो हुआ होगा, मतलब कुछ ना कुछ माइनस करना है ना, वही सेम नंबर माइनस करना है। तो 5 × 1 -1 करेंगे तो यही बनेगा, तो 4, 6, 15, 56, 275, तो ये वाला पैटर्न बन रहा है हमारा। ठीक है, क्लियर है सबको? ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन भी आ सकता है, सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है, ये सारे PYQ क्वेश्चंस हैं। तो अब हमारा लक है कि हमें कौन सा क्वेश्चन देखने को मिलेगा पेपर में। ये भी PYQ क्वेश्चन है और पीछे वाला क्वेश्चन भी PYQ क्वेश्चन था, तो कुछ भी बना के दे सकता है UGC। बस आप लोगों को अपना जो माइंड है वो फोकस्ड रखना है। ऑप्शंस बहुत हेल्प करेंगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, इसलिए ऑप्शन से क्वेश्चन जरूर करके देखा करो। आप चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। तो जल्दी बताओ मुझे इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी बताओ राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। सबका आंसर चाहिए मुझे। सो वेरी गुड, 63 दैट इज बी, जिस जिसका आंसर है उन सबका सही आंसर है, और जिसका 61 आंसर है वो देख लो, या फिर 62 आंसर है उनका गलत है। और वो कैसे गलत है, पैटर्न देखो यहाँ पे, 1 और 3 2, 3 और 7 5, 7 और 15 8, 8। तो यहाँ पे प्लस माइनस वाला तो कोई भी पैटर्न हमें नहीं दिख रहा। लेकिन यहाँ पे हमें एक पैटर्न दिख रहा है, देखो 1 × 2 प्लस 1 3 बन रहा है, 3 × 2 प्लस 1 7 बन रहा है, 7 × 2 प्लस 1 15 बन रहा है, 15 × 2 प्लस 1 31 बन रहा है। तो 31 × 2 प्लस 1 63, और 63 × 2 प्लस 1 दैट इज 127, मतलब हमारा क्या होगा, 63 होगा।
हाँ ये वाला भी लगा सकते हो आप। यस भावना बोलो। यस 2 से मल्टीप्लाई। क्लियर है सबको? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक ओके ओके भावना 1 मिनट पहले मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कर देती हूँ, फिर आपका क्वेश्चन देखती हूँ। 1 सेकेंड। क्वेश्चन है 8, 10, 7, 12, 5, 16 और 3। नेक्स्ट नंबर बताना है। ओके तो यहाँ देखो 8, 10, 7, 12, 5, 16, 3 और उस नेक्स्ट नंबर बताना है। तो सबसे पहले इनके बीच में डिफरेंस देखो। 8 से 10 पे गए 2, 10 से 7 पे आए 3, 7 से 12 पे गए 5, 12 से 5 पे आए 7, 5 से 16 पे गए 9, 16 से 3 पे आए 11। तो यहाँ पे देखो 8 से 10 पे गए तो प्लस का 2, 10 से 7 पे गए तो माइनस का 3, 7 से 12 पे गए तो प्लस का 5, 12 से फिर 5 पे आ गए तो माइनस का 7, 5 से 16 पे गए तो प्लस 9 किए, फिर 16 से 3 पे आए तो माइनस 11। मतलब नेक्स्ट नंबर क्या होगा? प्लस होगा। और कितना प्लस होगा? ऐसे होगा ये क्वेश्चन। सोलह से तीन पे गई है 13 है यहाँ पे, तो नेक्स्ट प्लस कितना होगा? यहाँ पे प्लस 17 होगा और वो कैसे होगा ये देखो। 2 से 3 पे 1, 3 से 5 पे 2, 5 से 7 पे फिर 2, 7 से 9 पे 2, 9 से 13 है ये, 11 नहीं है, 4,
एक मिनट रुको, मैं इसको क्लियर लिख देती हूँ एक बार। एक मिनट रुको रुको, क्वेश्चन दोबारा बताना। हाँ जी हाँ जी, मैं तभी दोबारा कर रही हूँ। क्वेश्चन है 8, 10, 7, 12, 5 16 और 3। ठीक है, ये होगा 8 से 10, 2, 10 से 7, ये +2, ये -3, 7 से 12 +5, 12 से 5 -7, 5 से 16 तो 11, 16 से 3 -13 तो अब होगा प्लस, तो अब यहाँ पे देखो 1 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 2 से -3 तक देखो कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। ये ऐसे डिफरेंस बनेगा 2 से लेके -3 तक का, फिर -3 से 5 तक का, ऐसे ही आप यहाँ पे 17 ऐड होगा। 2 से -3 तक का डिफरेंस देखो, -1 0, 1 0, -1, -2, -3, 5 का डिफरेंस। फिर -3 से 5 तक का डिफरेंस कितना बन रहा है, तो ये डिफरेंस ऐसे बन के यहाँ पे 17 आएगा और आंसर हो जाएगा 20। हाँ जी, अभाज्य संख्या वाला भी बन जाएगा ये, कि सारे प्राइम नंबर्स ऐड कर रखे हैं इसलिए 17 है। और दूसरा जो इनका डिफरेंस है ना, उससे भी करोगे तो ऐसे भी क्वेश्चन हो जाएगा। प्राइम नंबर्स है ना, जिनको ये डिफरेंस वाला समझ में नहीं आ रहा, वो प्राइम नंबर्स याद रखो, 2, 3, 5, 7, 11, 13 प्राइम नंबर्स हैं। 13 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर होगा 17, और प्लस माइनस वाला पैटर्न है, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस। ठीक है, क्लियर है अब ये वाला क्वेश्चन। ट्वेंटी आंसर आएगा, 3 + 17 दैट इज 20, तो नेक्स्ट नंबर 20 होगा, और 20 के बाद -19 1 आएगा। यस, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं पेपर में। अब देखो अपना ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, और मेरे को बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। आंसर होगा 20, और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताओ सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा सबका सही है अब तक जिसका मैंने देखा है, 463 बी ऑप्शन। अगर इससे अलग किसी का आंसर आया है उनका गलत है। कौन सा समझ में नहीं आया रुचि? यस, यहाँ पे हुआ है 3 से मल्टीप्लाई और +1, 5 × 3 + 1 तो ये हो जाएगा 16, 16 × 3 + 2, 50,
3 + 3 153, तो यहाँ होगा 150 × 3 + 4 एंड दैट इज 463। तुक्के कई बार सही हो जाते हैं बट हर बार तुक्के काम नहीं आते, तो प्रॉपर पैटर्न देखो। जो क्वेश्चन दिया था वो क्वेश्चन दोबारा देख लो, उसमें ना आप एक लगाम करो 8, 10 और क्या था 7, कुछ ऐसा ही था। एट टेन सेवन ट्वेल्व फाइव सिक्सटीन थ्री एंड डैश, तो यहाँ पे इनके बीच का डिफरेंस देखो आप, डिफरेंस आ रहा है 2। फिर यहाँ पे तो 8 और 2 + 2 ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे फिर 10 से 7 वापिस आ रहा है, मतलब -3 हो रहे हैं। फिर 7 से 12 + 5 हो रहा है, 12 से 5 -7 हो गए, 5 से 16 + 11 हो गए, 16 से 3 -13 हो गए। तो अब जो भी होगा नेक्स्ट नंबर वो प्लस होगा, लेकिन कौन सा नंबर प्लस होगा ये देखो, प्राइम नंबर्स हैं सारे, 2, 3, 5, 7, 11, 13। डिफरेंस वाला भूल जाओ, सिंपल याद रखो 2, 3, 5, 7, 11, 13 प्राइम नंबर्स हैं, तो 13 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर होगा 17, तो 3 में 17 ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा 20। और इससे भी नेक्स्ट टर्म पूछी जाती तो 17 के बाद नेक्स्ट नंबर होता है 19, और प्लस के बाद होगा माइनस, तो 20 में से 19 गए, इसके बाद नेक्स्ट नंबर होता 1। ऐसे ही हमारी पैटर्न सीरीज चलता रहेगा। अब क्लियर है सबको, हमारा प्राइम नंबर वाला पैटर्न है ये, एक साथ चीजें एक ही क्वेश्चन एक ही सीरीज के अंदर प्लस माइनस भी आ सकती है, मल्टीप्लाई डिवाइड भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, पैटर्न आप लोगों को देखना पड़ेगा। नहीं ऑड नंबर नहीं है चंद्रकांत, क्योंकि अगर ऑड नंबर होते तो सबसे पहली बात 2 ऐड नहीं होता, यहाँ पे 1 होता, दूसरा यहाँ पे 9 भी होता, 13 के बाद 15 होता, फिर 17 होता, तो ऑड नंबर नहीं है ये, प्राइम नंबर्स है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो और जल्दी बताओ मुझे इसका आंसर क्या होगा। यस अंकिता, सभी का आंसर चाहिए मुझे। हाँ सिक्स्थ क्वेश्चन तजीम, ये वाला है सिक्स्थ क्वेश्चन, 5, 16, 50 और 153, इसमें पैटर्न हो रहा है मल्टीप्लाई 3 + नंबर्स, एक एक नंबर ऐड हो रहे हैं, पहले में 1 ऐड हो रहा है, फिर 2 ऐड हो रहा है, फिर 3 ऐड हो रहा है, फिर 4, तो ऐसे ही नंबर्स ऐड हो रहे हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम होगा इस वजह से होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में जिस जिसका आंसर 7.6 है सबका आंसर सही है, हर एक में क्या पैटर्न ऐड हो रहा है, क्या ऐड हो रहा है, 1.2 1.2 ऐड हो रहा है, तो 6.4 में जब आप 1.2 ऐड करोगे 7.6 आ जाएगा, सिंपल था बिल्कुल, तो सी आंसर होगा राइट आंसर। चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8,
1 0.125, 1/27, 1/64, तो बताओ नेक्स्ट नंबर क्या होगा? टेल मी व्हाट्स द नेक्स्ट नंबर, व्हाट इज नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज? क्वेश्चन देखते हैं, मैं उसके बाद आंसर बताऊंगी। यहाँ पे ना क्या कर लेते हैं, 1 दे रखा है, 0.125 को भी क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं अपने फ्रैक्शन में। उसके बाद 1/27 दे रखा है, 1/64 दे रखा है, ठीक है, ये नंबर्स हैं हमारे पास, दीज आर द नंबर्स। तो इसको कट कर लो, पहले इसको भी ऐसे ही बना लेते हैं, 5 से कट करेंगे या 25 से कट कर लो, 25 फाइव जा और 25 फोर जा, 5 वन जा, 5 एट जा, तो ये आएगा 1/8, ये हो गया 1/27, ये हो गया 1/64, इसको 1/1 लिख लेते हैं क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है मैथ्स के अंदर। तो यहाँ पे देखो नीचे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, 1, ये 2 की क्यूब, ये 3 की क्यूब, ये 4 की क्यूब, तो ये क्या बन जाएगी, 1 की क्यूब। तो नेक्स्ट क्या होनी चाहिए हमारी, 5 की क्यूब, और 5 की क्यूब क्या होती है, 5 की क्यूब होती है 125, तो नीचे आना चाहिए 1/125। तो ऊपर भी आएगा 1000 ही, इसको जब आप सोल्व करोगे तो आंसर आपके पास आएगा 1/8। एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड रुकना। यस, 1/8 नहीं, सॉरी, 0.008, ये वाला ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर, गलत ऑप्शन दे रखा है। देखो यहाँ पे जो पैटर्न दे रखा है ना, 0.125, इसको पहले हमने फ्रैक्शन में बना लिया और इसको भी शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ऊपर 1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये देखो ये हो रहा है 1 की क्यूब बन रहा है, नीचे वाले नंबर्स की बात कर रही हूँ मैं, ऊपर 1 ही रखो आप, 1 ही रखो इसको, तो 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, 4 की क्यूब, तो ये बन जाएगी 5 की क्यूब। तो 1/125 इसको सोल्व करोगे आपके पास आ जाएगा 0.008, उसको हटा दो। नीचे पैटर्न फॉलो हो रहा है, 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब एंड 4 की क्यूब, तो 4 की क्यूब के बाद नंबर होगा 5 की क्यूब का, तो 1/125, 1000 को हटा दो, 1/125 को सोल्व करोगे 0.008 आ जाएगा, तो 1/5 वाली सीरीज, 5 की क्यूब होती है 125, तो 1/125 को सोल्व करोगे तो 0.008 आपके पास आंसर आ जाएगा।
देख पूरी देख। है, आप चलते हैं नेक्स्ट पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, ये है आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन, जिसका आंसर आप मेरे को कल की क्लास में बताओगे, क्योंकि तो अभी है ज्योग्राफी की क्लास 5 PM। नाइन और 10 का जो क्वेश्चन है, इसको कल हम अपने क्लास के स्टार्टिंग में डिस्कस करेंगे, एंड कल क्लास होगी क्योंकि इस मंथ में हमारी ऑलरेडी बहुत ज्यादा छुट्टियां हो चुकी हैं, तो हम कल भी अपना क्लास करेंगे ताकि सिलेबस जल्दी हो जाए। ये दोनों क्वेश्चंस का मेरे को आंसर बता देना आप। हाँ जी, कल क्लास होगी, इन दोनों क्वेश्चंस को, 9th और 10th क्वेश्चन को हम कल देखेंगे, और PDF आपको आज ही मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, और जो ज्योग्राफी वाले बच्चे हैं वो तैयार हो जाओ, क्योंकि अभी आपकी आज 5 PM क्लास है। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।